हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है मैं क्या लाया हूँ, तो जो 100% आप लोगों क्लास ट्वेल्थ में, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में जो पूछा जाता है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, वही मैं लेकर के आया हूँ। 100% VVI क्वेश्चन आंसर है। अगर आप लोग ये देख लेते हैं वीडियो, तो आप लोगों को 2 मार्क्स वाला में 100% पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग पूरा बने रहे और पूरा देखें, क्योंकि ये नहीं देखेगा तो 2 नंबर हो सकता है, कहीं छूट न जाए। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और अच्छा लगे तो ही लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम बताना चाहते हैं क्वेश्चन क्या, प्रतिरोधकता क्या है। तो पहले हम लोग प्रतिरोधकता को हम लोग परिभाषित करेंगे, और उसके बाद उसका एसआई मात्रक हम निकाल करके बताएंगे। एसआई मात्रक लिखना है किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए। तो अर्धचालक आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, तो उसके लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव का ग्राफ प्रदर्शित करें। तो पहले हम लोगों को प्रतिरोधकता का परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है? तो हम लोग पहले प्रतिरोधकता का डिफिनेशन देंगे। तो चलिए आंसर में हम लोग लिखते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता हम लोग लिख लिए, और यहाँ से हम लोग इसका डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ खींच करके और चालक के बारे में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले नंबर बात याद है कि कोई चालक अगर हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी चालक, याद रखिएगा, कोई चालक ले लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि किसी चालक के प्रतिरोध आर होता है, वह जो है आप लोगों को क्या होता है कि लंबाई के समानुपाती होगा, और उसके अनुप्रस्थ काट के तार के जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, मान लिया जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध आर, हम लोग आर ले लिए, और चालक के लंबाई कॉमा चालक का लंबाई, चालक का लंबाई एल ले लिए, ठीक है। चालक का लंबाई हम लोग क्या ले लिए, एल ले लिए। तो चालक के लंबाई एल के सीधा समानुपाती, तो एल के सीधा समानुपाती, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के अर्थ भी हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। समानुपाती तथा 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 अनुप्रस्थ काट के, मतलब चालक तार के, तथा चालक तार के, चालक तार के अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बरका ए, ठीक है, बरका ए के व्युत्क्रमानुपाती, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आप लोग समझिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है यह बात कि कोई चालक तार अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक चालक तार, तो थोड़ा देर के लिए आप लोग समझिएगा कि ये जो पेज हम लोगों का चालक तार है, ठीक है, ये पेज ही जो आप लोग लिए हुए, चाहे ये मान लीजिए कि पेन, तो यह पेन एक चालक तार है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध जो होता है, इसमें प्रतिरोध आर जो है, इस चालक के यहां से यहां तक लंबाई के समानुपाती हो जाएगा ये प्रतिरोध, ठीक है, और वही इसका चालक तार के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा, वो एक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं अर्थात में, क्या लिखेंगे अर्थात में, अर्थात में लिखेंगे अर्थात, मतलब शॉर्टकट दूसरे शब्दों में होता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि आर समानुपाती एल, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे दूसरा नंबर बात, क्या कह रहा है, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, इक्वेशन इसको सेकेंड ले लेंगे।
ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआगा हमारे प्यारे दोस्तों को। अब क्या करेंगे ना, दोनों को मिलाने पर, तो हम लोग इस तरफ दोनों को मिला लेते हैं, तो इस तरफ हम लोग लिखेंगे दोनों को, समीकरण दोनों को मिलाने पर। आप लोग एग्जाम में नीचे की ओर लिखेंगे, ठीक है, नीचे नीचे जितना नीचे जाइएगा उतना अच्छा रहेगा, दोनों को मिलाने पर। अगर हम लोग दोनों को मिलाते हैं तो आर तो मिल रहा है, और ये चिन्ह दे दिए। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब क्या होता है कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध जो है आप लोग को घट जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, व्युत्क्रमानुपाती के मतलब होता है विपरीत, समानुपाती के मतलब सीधा। सीधा मतलब क्या था, एगो बढ़ेगा तो वह बढ़ेगा, एगो घटेगा तो वह घटेगा, मतलब समानुपाती। या व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उबरेगा ई घटेगा, ई घटेगा उ बढ़ेगा, ठीक है, इसमें होता है। तो यहाँ पर ऊपर में एल है और नीचे में ए है, देखिए ऊपर में एल है नीचे में ए है, तो यहाँ पर एल ऊपर में रख देंगे, या आप लोग कह सकते कि यहाँ एक, ठीक है, अब बटे ए गुने क्या है एल है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग या करके इसी को हम लोग लिख सकते हैं, आर बराबर ये समानुपाती नियतांक हटा करके एक हम लोग रो देंगे, रो जो नियतांक का काम करता है, तो एल बटा एल इंटू वन, तो एल हो गया बटा में ए, रो एक नियतांक है। तो हम लोग को प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालना है, तो एसआई मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते कि जहां रो क्या है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जहां रो बराबर एक नियतांक है, ठीक है, क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, ठीक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है, अब इसका इकाई निकालेंगे, ठीक है, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को रो का एसआई मात्रक निकालना है, तो इसका एसआई मात्रक हम निकालेंगे, चलिए दूसरा कलर से ले लेते एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला निकालेंगे, ये रो है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर बराबर क्या दे दिया है, रो इंटू एल बाई ए, तो इसको हम लोग या करके लिखेंगे रो जैसे का तैसे, ठीक है, रो जैसे का तैसे, और एल क्या चीज में है, गुना में है, तो बटा में चल जाएगा, तो आर के बटा में एल आ गया, और ये नीचे में ए है तो ये आर के गुना में चला जाएगा, तो यहाँ ए आ गया। अब एसआई मात्रक इसका हम लोग अब निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम हम लोग लिख लिए, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर हम लिख दिए मीटर स्क्वायर, अब बटा में ये लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, तो एक मीटर से एक मीटर खत्म हो जाएगा तो एक मीटर बचेगा, यानी कि इसका एसआई मात्रक हो गया ओम मीटर। तो एसआई मात्रक हम निकालना सिखाए हैं, आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा एग्जाम में कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है, बात समझ रहे, क्योंकि हम तो निकालना सिखाए हैं आप लोगों को, क्योंकि निकालना आ जाएगा तो आप लोग याद रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर, हम लोगों को क्या कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव का ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तब हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे प्रतिरोधकता के ताप में बदलाव का, तो कैसे खींचेंगे सो ध्यान दीजिएगा। तो हमारे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ ऐसे खींच लेते हैं, एक सीधा, ठीक है, सीधा खींच लिए, और यहाँ से इस तरफ खींच लेते हैं, थोड़ा सा हमारा तिरछा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर में रेजिस्टेंस जो है ऊपर की ओर आएगा, और टेम्परेचर जो है इस हो जाएगा,
ठीक है। अब बात क्या आता है कि यहाँ पर ये दर्शाएगा आप लोगों को रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को, ये चीज। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को दर्शाएगा। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या कहा है मेरे भाई कि अर्धचालक के लिए, तो अर्धचालक में यदि, ध्यान से सुनिएगा, अर्धचालक में यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो है, ठीक है, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, याद रखिएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिरोध क्या हुआ, डाउन हुआ। डाउन हुआ कैसे होगा सो आप लोगों को मैं फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब आप लोगों को आंसर में। तो यहाँ पर आप लोगों को बस एक ही बात याद रखना है कि यदि किसी अर्धचालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है डाउन स्लोप में आएगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी अर्धचालक में यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता जो है बढ़ जाएगा, और जबकि चालक के लिए उल्टा होता है। चालक में अगर तापमान बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है। तो उसके लिए अगर चित्र आप लोग खींचिएगा चालक के लिए, तो चालक के लिए मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये चालक के लिए हम खींच दिए, ये आर हो गया ऊपर और ये टी हो गया इधर। इसमें क्या होगा ना, चालक के लिए ये ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है, ये चालक के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही हम लिख दिया क्योंकि आप लोग कहिए कि सर जी नहीं समझे इसलिए। और ये क्या चीज के लिए है, तो अर्ध अर्ध चालक के लिए, किसके लिए है, अर्ध चालक के लिए, याद रखिएगा। तो अर्ध चालक के लिए क्या होता है, तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध जो है उसका घटेगा, यानी कि इसका चालकता मान बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो बात मैं लिखने जा रहा हूँ उस बात पर। तो इसका आंसर जो है हम लोग देंगे, ठीक है, इसका आंसर देंगे हम लोग, ताप बढ़ने के कारण, ताप, ठीक है, ताप बढ़ने के कारण, ठीक है, ताप बढ़ने के कारण अर्धचालक, अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता बढ़ता है और प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, चालकता बढ़ता है, ठीक है, और इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे भाई, घटता है, याद रखिएगा। अर्धचालक में अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका चालकता बढ़ जाता है और प्रतिरोध जो है घट जाता है, ठीक है। तो कहेगा ऐसा क्यों होता है, तो लिखेंगे हम लोग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि कोई पूछ देगा तो लिखिएगा कथी, क्योंकि ताप बढ़ने से, ताप ताप बढ़ने से अधिक, ताप बढ़ने से अधिक इलेक्ट्रॉन, अधिक इलेक्ट्रॉन, ई लिख दिए शॉर्टकट में, संयोजी बैंड से, संयोजी बैंड से चालन बैंड में, संयोजी बैंड से चालन, ठीक है, बैंड में, बैंड में, ठीक है, जाता है, बैंड में जाता है, जाता है, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोगों को इसका पूरा आंसर मैं दे दिया हूं, और अर्धचालक का एग्जांपल पूछे तो आप लोग याद रखिएगा अर्धचालक के, सिलिकॉन एवं
जर्मेनियम एक शुद्ध अर्धचालक है, आप लोगों को बहुत ही पूछता है। और ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है कि अर्धचालक के कितने प्रकार, एन टाइप पी टाइप। तो अगला वीडियो मैं क्या लाऊं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। यदि इसका पीडीएफ लेना है तो नीचे व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया गया है, आप लोगों को इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं या ना भी, ठीक है। अगर ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को एकदम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर जय हिंद जय भारत।